बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में भ्रष्टाचार कौन तरह के से फल फूल रहो ई की वानगी एक बार फिर देखने को मिली। सागर जिला की गड़ाकोटा तहसील के अंतर्गत ग्राम मगरोन के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बनाई गई बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई। आरईएस विभाग द्वारा बनाई गई यह बाउंड्री वॉल साल भर पहले ही बनाई गई थी और अब जिला के अधिकारी घटिया निर्माण की लिपापोती करने में जुटे हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन में शासकीय निर्माण कार्य कौन से स्तर पर करे जा रहे जो अंदाजा आप ही बाउंड्री वॉल की दशा को देख कर लगा सकत। यदि वॉल एक बारिश भी नहीं झेल सकी और जमी दोज हो गई। बाउंड्री वॉल गिरवे से विद्यालय भी असुरक्षित होगा और अंदर पानी भरवे से दो दिन से स्कूल भी नहीं लग पाओ। बताओ जाते कि जब यह दीवार बनाई जा रही थी तब ग्रामीणों ने दबी जुबान से ई में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात उठाई थी, लेकिन प्रभावशाली ठेकेदार के चलते उनकी आवाज दबा दी गई। जब निर्माण कार्य हो रहा तो मॉनिटरिंग करवे आरईएस के सब इंजीनियर एक उबेर नहीं आए। ई के बाद घटिया निर्माण भाव और उनको परिणाम जो भाव जो आपके सामने है। ठेकेदार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया है, आरईएस इंजीनियर ने उसको देखा भी नहीं है। यदि सही देख रेख होती इतना घटिया निर्माण नहीं होता। ये दुर्घटना बाउंड्री वॉल गिरने की हुई है, उस हादसे के समय कोई बच्चा वहाँ पर उपस्थित नहीं था, नहीं तो गंभीर दुर्घटना होती। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, ऐसे घटिया निर्माण के लिए ठेकेदारों पर अंकुश लगना चाहिए। उतनी चोरी और सीना जोरी वाली कहावत को चरताल करत भय विभागीय अधिकारी ये पूरे मामले की लीपापोती में जुटे हैं। ई दीवाल के गिरवे की वजह से इतने बने सीसी रोड को बता भय ई के पुनः निर्माण की बात कर रहे। वहाँ से जो आरडीसी की रोड बन रही थी वो रोड में जो है उन लोगों ने बाउंड्री वॉल से सटा के 2.5 फीट बाउंड्री वॉल की ऊंचाई तक अर्थवर्क और जीएसबी वगैरह का कार्य किया, उसका कॉम्पेक्शन भी किया। उसमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर बाउंड्री वॉल तो होती नहीं है, बाउंड्री वॉल एक प्रोटेक्शन वॉल होती है। और उसी दौरान क्या है उनके जो मार्गों में पुलिया बन रही थी, पुलिया अवरुद्ध होने के कारण पानी पूरा रोड से बहा और वो पूरा पानी स्कूल में भी भरा, स्कूल के बच्चे स्कूल में भी 4 फीट अंदर तक पानी भरा था, इसलिए बाउंड्री वॉल की कुछ क्षति हुई। और कॉन्ट्रेक्टर की रिस्क एंड कास्ट में है, कॉन्ट्रेक्टर उसको पुनः बना के देंगे और उसी हिसाब से अब डिजाइन करके बनवा देंगे। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी आगे आई है। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक भ्रष्टाचारियों ने शिक्षा के मंदिर तक को नहीं बख्शे। बहुत बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही बर्दाश्त के योग्य भी नहीं, इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। बर्दाश्त इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि जिस जगह की आप बता रहे हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और छोटे छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ मजबूत काम होना चाहिए, कमजोर काम नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा थी कि वो दीवार पानी में के बहाव में गिरी। यदि मान लो वहाँ बच्चे पढ़ रहे होते और गिरती तो जान माल का खतरा था कि नहीं था, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जिम्मेवारों को इस आधार पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो दूसरी बना देंगे। उनने ये गलत बनाई क्यों, इस बात की जांच होना चाहिए। और जिसने गलत बनाई, जिसने उसको गलत माने निर्माण के लिए सेंक्शन दी, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, मेरी ये मांग है। दरअसल बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार की यह कहानी कौन नई नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इके लाने जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो सो वे आगे भी यही तरह को भ्रष्टाचार करवे के लाने प्रोत्साहित हो जात। सागर से कृष्णकांत नगाच बुंदेली बौछार के लाने। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए, फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान। ज्योतिष आचार्य राजकिशन शास्त्री, प्रेम नगर नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7309628156 8400403024। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।